हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज माय सैटरडे लंच रूटीन। सो बहुत दिनों के बाद आज एक रूटीन में हूँ। आज मैं अपना सैटरडे का छोटा सा लंच रूटीन शेयर करूँगी। बजे हैं 8:30 और रूम में आके मुझे, क्योंकि बात करनी पड़ रही है, बाहर जो काफ़ी शोर होता है और जैसा कि जानते हैं अक्टूबर आ गया है, ठंड शुरू होने वाली है। एज वी आर एक्सपेक्टेड, हमारे यहाँ तो अभी नहीं आएगी जल्दी से, बट फिर भी प्रिपरेशन करनी पड़ती। तो मैंने आज कंबल जो है वो दो चार निकाल के उनको वॉश, कंबल को निकाल के वॉश करने डाला हुआ है, मशीन लगाई सैटरडे। और ज़्यादा क्या, आज सिर्फ रूटीन जो था मेरा वो चेंज हो गया था, मंदिर जाना वो सब कुछ छूट गया है। तो धीरे धीरे जो है गाड़ी ट्रैक पे ला रहे हैं और अभी मैं जा रही हूँ। मैंने मशीन लगाई हुई है, अभी मैंने शावर नहीं लिया है, नहाया नहीं है मैंने अभी। तो सब्जी काट के आटा सुबह लगा दिया मैंने और उसके बाद मैं नहा के कोशिश करती हूँ कि मैं मंदिर जाऊँ। और जैसा कि जानते हैं आप, श्राद्ध दो दिन के रह गए हैं और हमारे यहाँ इस बार श्राद्ध नहीं हुए हैं क्योंकि फैमिली में ही कोई ऐसे डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह से श्राद्ध नहीं हुए इस बार। हमारे यहाँ जो है वो शोर बहुत है, क्योंकि मैंने कई बार अपने वीडियोस में बोला भी है, क्योंकि चलता फिरता रोड है, गाड़ियों की आवाज़, और मॉर्निंग में हम टीवी चला के, गाने चला के, और फिर उसके बाद मैं काम करती हूँ सारा। होप सो कि आज मेरा आपको ये जो रूटीन है वो समझ में नहीं अच्छा लगेगा सैटरडे का। और आज इसमें मैं बनाने जा रही हूँ कमल ककड़ी की सब्ज़ी। कमल ककड़ी कहते हैं ना, हाँ, जो कि बे बोलते हैं यहाँ पर। तो बे की सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी। और जैसा कि मैंने बताया था कि पूरे जितने भी ये श्राद्ध गए हैं, इन पूरे श्राद्ध में हमने जो है अपने पितरों का तर्पण किया है। वो मैंने कहा भी था कि मैं दिखाऊंगी, पर आज मैं पक्का दिखाती हूँ कि हम लोगों ने जो तर्पण जो उनको जल से जल दिया है वो कैसे दिया है, और वो रेगुलर किया है, क्योंकि एक मान्यता है कि इस दौरान जब हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितर हैं, वो आते हैं यहाँ पर हमसे खाना लेने, अपना आशीर्वाद देने, तो हमें उनको रुष्ट नहीं करना चाहिए। तो जल से हम तर्पण करते हैं और ये सभी को करना चाहिए कि इसमें कोई आप ये नहीं कि अंधविश्वास है, अगर आप करते हैं सभी करना ही चाहिए आपको। तो तर्पण जैसा करते हैं, जिस विधि से करते हैं, वो मैंने आपको बताया। और अगर पॉसिबल होगा तो जो सर्वपित्र अमावस्या वाला जो तर्पण है वो मैं आप लोगों से ज़रूर, क्योंकि उस दिन अगर आप इन 16 दिन में नहीं कर पाते हैं, 14-15 दिन में, तो जो लास्ट जो हमारा श्राद्ध होता है वो अमावस्या का होता है। और अमावस्या को हमारे जितने भी पितर होते हैं, भूले बिसरे, आगे 3 पीढ़ी तक, अगर आप जिस पीढ़ी में हैं तो आपको आगे 3 पीढ़ी का अधिकार होता है उनका श्राद्ध करने का, उनको तर्पण करने का, यानी कि पिता दादा और परदादा, है ना, माता दादी और परदादी, इनका श्राद्ध आप कर सकते हैं। तो उस श्राद्ध में आप अगर आपने नहीं करा है, भूल गए हैं, तो जिनकी आपको तिथि भी याद नहीं है, तो एक बार अगर आपने करा भी है, बाय द टाइम अगर आपने करा भी है जिसका श्राद्ध तिथियों पे था, तो भी आप अमावस्या के दिन एक बार सबका श्राद्ध कर दीजिए, तर्पण। और एक चीज़ और, कि जो भी ये 15-16 दिन होते हैं, इसमें अपने पितरों को रोटी ज़रूर देनी चाहिए, एक एक। मैं इसलिए बोल अभी बोलने का मतलब ये कि मैंने दिया था इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि ये सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, कोई किस हिसाब से करता है, किस हिसाब से। पर जो एक रोटी है कि गाय, कुत्ते और कौवे की 3 रोटियां, ये ज़रूर से बना के आप दें। और 12-12:30 बजे के आसपास देना चाहिए, क्योंकि दोपहर के टाइम में हमारे पितर जो है वो आते हैं। सैटरडे के रूटीन में ये पितर वाला जो थोड़ा सा था आ गया था, क्योंकि आई होप कि मंडे को अमावस्या पड़ेगी, तो मंडे हम तर्पण कर देंगे उसका। और आज का रूटीन बस यही है, मैंने मशीन लगाई हुई है और अब जो है वो
लंच का मैं आपको रूटीन अपना दिखा देती हूँ। और इस समय घर पूरा फैला पड़ा है क्योंकि दिवाली आ रही है, उसकी सफाई करनी थी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं चढ़ाया। इस बार मैक्सिमम कोशिश ये रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिक्लटर करूँ हाउस को, और उसके लिए प्लानिंग भी थोड़ी करी है। तो देखते हैं कि कितना सामान मैं निकाल पाऊँगी। सो चलिए अपना जो भी रूटीन है वो शुरू कर देते हैं। आई होप सो कि आपको पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। टीवी चल रहा है और हस्बैंड लेटे हुए हैं। ये सारा काम फैला पड़ा है, पूरा इसको एक बार डीक्लटर करना पड़ता है। ये सब कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम हम लोग क्लियर कर दें। ओ, ये इनकी फेवरेट सब्जी है, तो दोनों ही हम लोग सब्जी काटने बैठे हैं और ये मुझे बता रहे कि कैसे काटना है, ऐसे काटो और वैसे काटो। सो इस तरीके से हम टुगेदर जो है टाइम स्पेंड कर ही लेते हैं। आलू भी कट करके नमक लगा के रख दिया है। बे को गर्म पानी में भिगो दिया, नमक के पानी में, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है। एज्यूमिन स्टेम है ये एक, और ये आलू ने पानी छोड़ दिया है, और ये इस तरह चॉप्ड किए हुए हैं लहसुन और प्याज। सो सब्जी बनाना शुरू कर देते हैं। रेगुलर सब्जी है, कोई ख़ास इसमें कोई स्पेशल ऐसा मेथड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जस्ट ऑयल डालिए, जो आपने हरी मिर्च लहसुन और प्याज की जो ग्रेवी बनती है, मैक्सिमम प्याज लेना है आपको। इसको आज फाइनली चॉप्ड करना है, ऐसे ग्राइंड करके इसको नहीं करना है। और कमल ककड़ी जो इसमें डाल के पकाएंगे, क्योंकि ये सेल्फ पहले सॉफ्ट होगी, देन हम उसके बाद आलू पकाएंगे। पहले कमल ककड़ी को पकना ज़रूरी है, देन आलू डालेंगे। कमल ककड़ी हो गई है सॉफ्ट, सारे स्पाइसेस डाल देंगे हम, हल्दी मिर्च और धनिया। सॉल्ट हम पहले ही डाल चुके थे जब कमल ककड़ी को पकाना था, अगर आपको लगे कि कम है तो और डाल लीजिए। और आलू डाल के मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे आलू को, देन उसके बाद पानी ऐड कर देंगे और अपना सब्जी को पकने देंगे। पानी आपको जितना रिक्वायर्ड हो, क्योंकि ज़्यादा इसकी जो कंसिस्टेंसी है, ना तो ज़्यादा थिन रखनी होती है, ना ज़्यादा ही थिक रखनी होती है, यानी जैसे हिंदी में कहते हैं लटपुटी सब्जी, थोड़ी सी वो रखनी है और जल्दी कुक हो जाएगी। सब्जी बनने उसके साथ साथ ही मैंने ये कपड़े धोने भी रखे हुए थे, और कंबल जो है वो ड्रायर में अच्छे से निकाल देंगे। तो इसका भी एक वीडियो है कि कंबल कैसे धोए, एक रिक्वेस्टेड वीडियो था जो मैं डालने वाली हूँ। तो खाना बनाने के साथ साथ कपड़े जो है धुल जाते हैं, मशीन लगा देते हैं, तो दोनों तरफ हो जाता है, एक पैर किचन में होता है, दूसरा बाहर मशीन के पास होता है। और होप कि मैक्सिमम लेडीज़ जो इसी तरीके से करती हैं। तो कंबल तो मेरा धुल गया, ऐसे मैं सूखने डाल दूँगी। और सब्जी भी हमारी पक चुकी है, और इधर इन्हें भी भूख लगी हुई है, जाना है, तो मैं फटाफट रोटियां सेकूंगी। पर उससे पहले मैं नहा के आती हूँ, नहाने के बाद फिर मैं रोटियां सेकूंगी। तो रोटी बना ले रहे हैं,
अभी मैं थोड़ी सी बनाऊंगी क्योंकि सुबह मैंने थोड़ा ही आटा लगाया था जल्दी में, ऐसा था कि लग रहा था ये जाएंगे जल्दी टूर पर, और क्योंकि कल जो था एकादशी का उपवास था और यहाँ पे जो उपवास वो नेक्स्ट डे छोड़ते हैं रोटी खा के ऐसा कुछ है, तो फिर मैंने सोचा जल्दी से आटा गूंद देती हूँ पर टूर पे नहीं गए, तो अभी मैं पहले थोड़ी सी रोटियाँ बनाऊँगी, उसके बाद बच्चों के लिए मुझे दोबारा आटा लगा के रोटियाँ बनानी है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था तीन रोटी तो मुझे निकालनी है गाय कुत्ते और कौवे वाली, और एक जो ये उपवास छोड़ेंगे उसके लिए गाय के लिए। वैसे भी कहते भी हैं कि एक पहली रोटी जो है वो गाय की होती है, उसके बाद लास्ट की रोटी कुत्ते के लिए, ऐसा बनाने से घर में सुख शांति मानते हैं कि होती है। तो ये मैं फटाफट से रोटियां सेक लेती हूँ पहले चार। तो ये तीन रोटियां हैं, उन पे घी लगा दूंगी और थोड़ा सा मीठा यानी चीनी रख देंगे, सब्जी नहीं रखूंगी क्योंकि थोड़ा सा लहसुन प्याज पड़ा है इसलिए, तो थोड़ा चीनी डाल के और ऑर्डर वाइज ही करूंगी, पहली जो रोटी थी वो गाय की, दूसरी वाली कुत्ते की, और ऊपर जो है वो कुछ मतलब दूसरी जो है कौवे की, तीसरी कुत्ते की है, और ये जो रोटी है ये अभी हस्बैंड निकालेंगे उसके लिए है खाना खाते समय, तो इसे भी मैं उस तरीके से करके रख दूंगी। फाइनली अब इनका भी नंबर आ गया है, गरम गरम रोटियां बना के खिला देती हूँ सुबह 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 सुबह, मतलब जब भी बनाते हैं अक्सर कोशिश ये होती है, मैं सेकती जाती हूँ बच्चे और ये खाते जाते हैं जब बच्चे होते हैं अक्सर, नहीं तो फिर जो जैसे आता है वैसे खाते जाते हैं। तो फिलहाल मैंने क्योंकि जाना है अदरवाइज़ हम साथ में ही खाना पसंद करते हैं, तो ये खा के जाएंगे, उसके बाद आटा लगा के रख दूँगी, बाद में मैं फिर बनाऊँगी। लंच मेरा हो गया है क्योंकि नहाने के बाद तो मुझे बहुत भूख लगती है, और कपड़े भी धुल गए हैं लंच, उनको मैंने बना के खिला दिया है और मैंने भी खा लिया, बच्चों की भी रोटी सेकनी है थोड़ी देर में सेकूँगी, सो थोड़ा बहुत काम बाकी है वो करना है, शहर हो गया है तो कभी जब हम सोचते हैं कि हम जल्दी फ्री हो जाएंगे उस समय जल्दी फ्री नहीं हो पाते हैं, और जैसा कि मैंने कहा था कि तर्पण का मैं दिखाऊंगी, तो मैं आपको वो एक तर्पण एक्चुअली मैं कर चुकी हूँ क्योंकि सुबह कल एकादशी थी और इनका फास्ट था, और सुबह जो है उपवास छोड़ते हैं तो उस चक्कर में जल्दी जल्दी मुझे रोटी बनाना था, सो आई एम सो सॉरी कि मैं वो तर्पण नहीं दिखा पाई हूँ, पर मैं आपको वो मेथड ज़रूर से बता दूँगी। दर उसके बाद वो कल लास्ट डे है देने का, अब खाना मैं खा चुकी अगर उस प्रोसेस को मैं करूँगी तो वो ठीक नहीं होगा, तो मैं आपको वो प्रोसेस बता देती हूँ कि हम लोग कैसे करते हैं। स्टील के ग्लास में या लोटे में आप जल लेंगे, उसमें काले तिल डाल के, और लेफ्ट हैंड जो होता है आपको उसके इस अंगूठे से हम लोग पानी देते हैं इस तरीके से, तो क्योंकि जो पितरों को तर्पण मिलता है वो अंगूठे से मिलता है, बाकी अगर हम फिंगर से देते हैं तो देवताओं के लिए जाता है। सो आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं नहीं शूट कर पाई हूँ उसको, क्योंकि बहुत जल्दी था काम में बहुत ही, और उनको भी निकलना था खाना खा के, और मुझे भी कपड़े डाल के आने धुला है, और अभी झाड़ू वगैरह वो सब बाकी काम करना बाकी है। सो होप्स कि मैं यहीं इसको एंड कर दूँ इस ब्लॉग को, अदरवाइज़ मैं शोर बहुत ज़्यादा गा रही हूँ इसके चक्कर, और तो आई तो मैं अभी ये सब क्लीनिंग वाला जितना काम है वो निपटा लेती हूँ, और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप इससे मेरी वीडियो को एक लाइक कर देंगे, और अगर बहुत पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस जब भी आए वो मिलें। सो पॉसिबल हुआ तो थोड़ा सा मैं इसे और कंटिन्यू करके भी स्टैंड नहीं करते हैं, तो मैं कपड़े वगैरह डाल तक मैं ये जो बाहर का काम है उसे निपटा देती हूँ। सो
अभी के लिए इतना ही करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। तो ये पूरा मुझे अभी समेटना है, बट कपड़े धुल गए, ने डाल के आना है ऊपर, और ये पूरा 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 क्लीन अप करना है, झाड़ू पोछा पूरा करके। झाड़ू पोछा हो गया था, मैं रोटी बना के बेटा खा रहा था। ऑल सेट, सब कुछ हो गया है, काम मेरा फिनिश हो गया लगभग। बेडशीट सूख गई थी, उसको मैंने बिछा दिया है, और बाहर भी क्लीन हो गया है, रसोई भी मैंने साफ़ कर दी है। तो यही लंच में आज था, पूरा मेरा लंच रूटीन जो भी था क्लीन अप हो गया है। हम सब ने खाना खा लिया है, बेटी आएगी वो खाएगी, अभी 1:30 बजे तक आती है। तो होप सो कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।